तो जो बुक है दोस्तों ये मेरी फेवरेट बुक है क्योंकि ये मैंने अभी रिसेंट में ही आ, मंगवाया है है गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग तो आज यार ट्यूजडे का दिन है एंड यार मैं सुबह उठ चुका है सुबह के अभी आठ बज रहे हैं और यार यहाँ पे आपके राहुल सर अभी तक सो ही रहे हैं तो चलो यार उठाते हैं इसको oh, oh. वो डाल बज गया oh. है इज़ गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग दोस्तों फाइनलीज सो के उठ चुका हूँ जस्ट भाई ने मुझे सो उठाया अभी तो दोस्तों आज काफ़ी लेट भी हो गया ऑलमोस्ट आठ बजने के लिए आ गए एंड मतलब बहुत दिनों के बाद मैंने इतना कंटिन्यूसली सोया है, बिकॉज जैसे कि आप जानते हैं कि रात को लेट हो जा रहा है दोस्तों हमें सोते सोते क्योंकि यार बारह साढ़े बारह इज़ नॉर्मल हो जा रहा है एडिटिंग करना होता है बाकी वीडियोस अपलोड करते करते नेक्स्ट दिन के लिए ये सभी काम करते करते बहुत लेट हो जा रहा है लेकिन चिंता की कोई बात नहीं उठ चुका हूँ तो अभी फाइनली फ्रेशन होता हूँ चाय पीता हूँ एंड उसके बाद सीधा फिर जिम वगैरह के लिए जाएंगे तो फाइनली मैं जिम से वापस घर पे आ चुका हूं दोस्तों एंड बहुत सारे काम पेंडिंग है जो कि मुझे करने हैं तो जैसे ही जिम से आया दोस्तों मैंने अभी अभी लंच भी कंप्लीट कर लिया है एंड लंच कंप्लीट करने के बाद मैं एक वीडियो की तैयारी करने जा रहा हूं क्योंकि आप लोग स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूं ऑन जया टूटोरियल यूट्यूब चैनल जो कि होगा दोस्तों टेंथ स्टैंडर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं यानी कि दसवीं के बोर्ड एग्जाम में एजबरा सब्जेक्ट का क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका एक वीडियो में बना रहा हूँ और ये ब्लॉग मिलने के पहले ही आपको जया टूट पे वो जो वीडियो होगा वो मिल गया होगा तो प्लीज जाके देख लेना अगर किसी ने नहीं देखा होगा और कोई अगर टेंथ स्टैंडर्ड के नहीं है तो आप टेंथ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को शेयर कर देना उनको बता देना कि वीडियोस आ चुके हैं और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जस्ट वीडियो मैं रिकॉर्ड करूंगा यहाँ पे एंड वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद जो हमारा बाकी रूटीन होगा वो हम फॉलो करेंगे एक्चुअली मैंने अभी डिसाइड किया है कि आज आपको मैं बुक्स का कलेक्शन दिखाऊंगा क्योंकि यार बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर आपके पास कौन कौन से बुक्स हैं आपने कौन कौन से बुक्स अभी तक टोटली पढ़ लिए हैं एंड उससे क्या क्या बेनिफिट्स मिला है और तो अभी गाइस मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मेरे पास कौन कौन से बुक्स हैं जो कि मैंने ऑफलाइन खरीदे हैं ठीक है ना मैंने मंगवाए हुए हैं वैसे ऑनलाइन बुक्स मैंने बहुत सारे पढ़े हुए हैं उसको मैं कभी और रिवील कर दूंगा लेकिन आज के डेट में कौन सा बुक है मैंने कौन कौन सी बुक स्टडी कर लिए है वो आपको मैं रिवील करूंगा तो चलिए चलते हैं बुक्स की तरफ एंड आपको एक बुक का लिस्ट पूरा दिखाते हैं गाइस ये रहे हमारे बुक्स के कलेक्शन तो यहाँ पे टोटली मैंने आठ बुक आज निकाला हुआ है जो कि आपको मैं वन बाय वन खोल के बताऊंगा एंड आपको रिवील करूंगा कि यार ये बुक से मैंने क्या क्या सीखा है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं तो सबसे टॉप पे आपको दिख रहा होगा ये बुक का नाम है दोस्तों थिंक एंड ग्रो रिच ये एक ऐसा बुक है दोस्तों अगर आपको इंटरेस्ट है कि आप भी मतलब लाइक लाइफ में ग्रो करो लाइफ में रिच बनो एंड कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन सीखो तो यार ये बुक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एंड ये जो बुक है नेपोलियन हिल द्वारा लिखा गया ये इसके ऑथर है तो बहुत ही बेहतरीन बुक है काफ़ी छोटी सी बुक है तो ज़रूर से आप इसको मंगवा सकते हो और पढ़ सकते हो एंड जितने भी बुक्स है उस चीज़ के जो लिंक है दोस्तों ये बुक्स के जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएंगे तो अगर आप मंगाना चाहोगे ऑनलाइन तो आप प्लीज़ मंगा सकते हो तो डेफिनेटली आपको हेल्प हो जाएगा आपके लाइफ में आप आगे ग्रो कर सकते हो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नेक्स्ट नंबर पे बुक जो मैंने रखा है दोस्तों वो है रॉबिन शर्मा की द मॉन्ग हु सोल्ड इज फरारी बहुत ही बेहतरीन बुक है दोस्तों आप देख सकते हो फिफ्टीन मिलियन कॉपीज सोल्ड हुई है खूबसूरत बुक है रोहिंद शर्मा ने लिखी हुई है जो कि इंडियन ऑथर है आप देख सकते हो यहाँ पे एंड काफ़ी बेहतरीन है सुंदर सा बुक है एंड आप देख सकते हो क्या लिखा है इसमें द मॉग हू सोल्ड इज फरारी यानी कि कुछ बेहतरीन स्टोरी है कुछ लाइफ लेसन है तो जरूर से आपको अच्छा लगेगा नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ जो कि दोस्तों एनरिचमेंट बिगिनस विद इन यानी कि एक बहुत ही सुंदर बुक जो कि राहुल भटनागर द्वारा लिखी गई है तो अगर आपको इंटरेस्ट है मार्केटिंग के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए कुछ लाइफ लेसंस अगर आपको चाहिए और कुछ इंपॉर्टेंट सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज अगर आपको जाननी है दोस्तों तो इस बुक से आपको पढ़ने मिलेगी तो ये बुक भी आपको मिल जाएगा नेक्स्ट दोस्तों जो बुक है दोस्तों ये मेरी फेवरेट बुक है क्योंकि ये मैंने अभी रिसेंट में ही आ, मंगवाया है एमेजॉन से जो कि बहुत सुंदर लगा बहुत ही बेहतरीन बुक लगा एंड ये काफ़ी ज़्यादा दिल के करीब इसलिए भी है क्योंकि इसमें जो स्टोरीज है ना ये यूट्यूबर्स की स्टोरी है ठीक है तो इसको लिखा गया हर्ष अमनानी एंड मनीष पांडे जो भाई है उनकी तरफ से ठीक है एंड uh, इसमें जितने भी डिजिटल स्टार्स हैं यूट्यूब के जो सेलिब्रिटीज़ है जैसे कि आपको दिख रहा होगा फोटोज में उन सब की लाइफ स्टोरीज है यहाँ पे तो ये बुक्स जरूर से आपको पढ़नी चाहिए आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी नेक्स्ट जो बुक है दोस्तों यहाँ पे वो है जितना है तो जिद करो ये बुक मैं मोटिवेशन के तौर पे लेता हूं दोस्तों क्योंकि जब ऐसा मुझे फील हुआ था कि मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो एक जिद होना जरूरी है अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो लाइफ में जिद होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपके अंदर जिद है तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो तो ये बुक लिखा गया है एस हिंडी वाला की तरफ से जो कि इसके ऑथर है तो हिंदी में लिखी हुई बुक है क्योंकि अगर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हिंदी और मराठी पढ़ना जानते होंगे तो हिंदी में लिखी हुई बुक है काफ़ी खूबसूरत है अगर आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपके अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आ जाएगा और काम के प्रति आपका गोल्स जो है वो क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट एक बहुत ही ज्यादा मोटी बुक है दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो काफी ज्यादा मोटी थिक बुक है लेकिन ये बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया लेकिन मैं इसको जरूर से कंप्लीट कर दूंगा और इसका नाम है दोस्तों इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बेंजामिन ग्राहम की तरफ से अगर आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है आप सीखना चाहते हो कुछ वैल्यूएबल स्टॉक्स या फिर उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो तो ये बुक आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा ठीक है तो ये अभी आप पढ़ सकते हो ऑनलाइन नेक्स्ट जो बुक है दोस्तों मेरे लिस्ट में वो ये है मिले टीचर यानी कि अगर आपको लाइफ में बनना है तो ये बुक आपको सिखाती है द नाइन रूल्स ऑफ वेल्थ यू शुड हैव लर्न इन स्कूल ठीक है आप स्कूल में ये चीज जरूर से सीख सकते हो तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी तो जरूर से आप लोग ये बुक को पढ़ सकते हो बहुत अच्छा लगेगा आपको एंड लास्ट जो बुक मैंने रखा यहाँ पे रॉबिन शर्मा की तरफ से जो है फाइव ए क्लब ये जो बुक है दोस्तों ये आपको एक बहुत अच्छा हैबिट डलवाएगा अगर आप ये बुक पढ़ लेते हो तो डेफिनेटली आपको मॉर्निंग में उठने की हैबिट हो जाएगी बिकॉज इतनी अच्छी तरीके से मोटिवेट किया हुआ इस बुक के अंदर जो कि बोलता है ओन योर मॉर्निंग एंड एलिवेट योर लाइफ यानी कि अगर आप मॉर्निंग को करते हो यानी कि सुबह उठ के काम की शुरुआत करते हो अब अप तो अपनी लाइफ को आप आगे बढ़ा सकते हो एलिवेट कर सकते हो बहुत सुंदर बुक है शर्मा, इंडियन यही थे कई तो सारे और भी बुक्स पढ़े हुए लेकिन उसको ऑनलाइन तरीके से मैंने पढ़ाई किया पढ़ाई किया है इसके अलावा बहुत सारे बुक्स ऑलरेडी मैंने पढ़े तो अगर आप जानना चाहोगे कि इसके अलावा मैंने क्या क्या बुक्स और पढ़ा हुआ तो प्लीज मुझे कॉमेंट कर देना मैं चाहूंगा तो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा लेकिन आज के लिए इतना ही दोस्तों और आज का जो मेन ब्लॉक का मेरा रीजन यही था कि यार हम आपको रिवील करें हमारे बुक्स के कलेक्शन क्योंकि यार मैं चाहता हूं कि हम जो काम करते हैं जिससे हम मोटिवेटेड रहते हैं जिससे हम इंस्पायर होते हैं वो आप लोग के साथ भी हो और आप लोग भी एक ना एक दिन इन बुक्स को पढ़ के अपने लाइफ में बहुत ज्यादा नॉलेज इकट्ठा कर लो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मोटिवेशन आपके अंदर आ जाए और एक ना एक दिन आप भी एक सक्सेसफुल इंसान बनते हुए नजर आओगे ठीक है दोस्तों तो इसी के साथ आज का जो है दोस्तों मैं एंड करना चाहूंगा बुक्स रिवील हो चुके हैं तो अगर आपको ऑर्डर करना होगा तो प्लीज हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए लिंक वहां पे प्रेजेंट होंगे वहां से आप जा सकते हो और बुक्स को ऑर्डर कर सकते हो अगर आपको पढ़ना होगा अपने लाइफ में कुछ अचीव करना होगा तो ठीक है और अगर हमारे व्लॉग आपको पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज हमारे इस ब्लॉग को लाइक कर देना इस वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना अपने फैमिली फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स होंगे रिलेटिव होंगे जो एल्डर भी होंगे आपके जो बड़े होंगे उनको भी अगर बुक्स रीड करने की हैबिट होगी गिफ्ट वगैरह आपको करना होगा तो डेफिनेटली इन बुक्स को आप उनको गिफ्ट के तौर पे दे सकते हो क्योंकि यार नॉलेज प्रोवाइड करने से ज्यादा बड़ा गिफ्ट और कोई नहीं हो सकता ठीक है तो वीडियो पसंद आया लाइक शेयर एंड जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना ठीक है दोस्तों तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू ब्लॉग में तब तक लेना थैंक यू एंड गुड बाय